हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट डियर स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे क्लास थर्ड ईवीएस का चैप्टर नंबर 19 और फ्रेंड्स एनिमल्स। ठीक है, इसका पार्ट वन हमने कर लिया था, तो आज हम नेक्स्ट करेंगे इसे आगे, बर्ड्स बात। तो बर्ड्स बात क्या होता है, जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक बर्तन जो है पेड़ से बांधा हुआ है जिसमें चिड़ियाँ आके पानी पी रही है। तो बच्चे बर्ड बात वही होता है जिसमें, जैसे कि हम अगर बाहर पानी किसी बर्तन में रखे रहते तो बर्ड्स जो है उसमें आके पानी पी जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक बर्ड बात बनाना है। एक बर्तन लेके जिसका मुंह जो है चौड़ा होना चाहिए और उसमें पानी भर दें ताकि जो प्यासे पक्षियाँ हैं, बर्ड्स हैं, वो आके जो है उसमें पानी पी सके। और रोज़ ऑब्ज़र्व करें कि क्या आपके आपने जो वर्ड्स बात बना रखा है उसमें चिड़ियाँ जो हैं पानी पीने आ रही हैं या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हमारा एक क्वेश्चन है, लाइक अस एनिमल्स ऑल्सो नीड वाटर टू लिव। हमारी तरह जो है बच्चों, एनिमल्स को भी जो है पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, देयर आर मैनी अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्डेड बाई बर्ड्स एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनकी आवश्यकता जो है एनिमल्स और मानव जाति दोनों को होती है। तो ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो मानव को भी और ह्यूमंस को भी जो है, ह्यूमन और एनिमल्स दोनों को आवश्यकता होती है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें होती बच्चों, बताइए सोच के। जैसे एयर है, हवा, वाटर पानी, खाना भोजन, फूड। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो हैं मानव को भी आवश्यकता होती है और एनिमल्स को भी आ सकता होती है। ठीक है, यू मस्ट हैव इंक्लूड फूड इन योर लिस्ट। यू नो दैट वी ईट अ वेराइटी ऑफ फूड, सिमिलरली एनिमल्स टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। ठीक है, तो हमने जो है अपनी लिस्ट में फूड भी शामिल किया था ना, तो मानव जो है विभिन्न प्रकार के फूड खाता है, उसी प्रकार से एनिमल्स भी जो होते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के फूड खाते हैं। ठीक है, तो आपने भी क्या कभी किसी एनिमल्स को भोजन खिलाया है? यदि हाँ, तो आपको यहाँ पर इस टेबल को फिल करना है। नेम ऑफ एनिमल्स यू फीड, व्हाट डू यू फीड। जैसे हमारा पेट एनिमल्स होता है डॉग, डॉग को आपने क्या क्या खिलाया है, रोटी, बिस्किट, राइस, है ना, ये सारी चीज़ें, मीट, ये सारी चीज़ें जो है हम डॉग्स को खिलाते हैं। आप लोग जो खिलाते हैं उसको राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं हम कैट। कैट क्या क्या खाती है, मिल्क, फिश, मीट। ठीक है, और काओ और बफेलो ग्रास खाते हैं। जैसे पैरट के कोई कोई जो है अपने पैरट भी पालते हैं ना, उनको फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, ये सारी चीज़ें जो है खाते हैं। और हैन और पिजन क्या खाते हैं, ग्रेन्स लाइक राइस, व्हीट, बाजरा, ये सारी चीज़ें जो है हैंस और पिजन खाते हैं। ठीक है, तो आपने जो है अगर किसी पक्षी को या एनिमल्स को जो है खाना अगर खिला रखा है तो उनके नाम आप यहाँ पर राइट करेंगे। ठीक है बच्चों, मैंने जो है डॉग, कैट, काउ, बफेलो, पैरट और हैंस, पिजन, ये सब चीज़ों के नाम राइट किए हैं। आप अपने चॉइस के हिसाब से राइट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है व्हाई डू फीड दीज एनिमल्स। तो इन एनिमल्स को आप खाना क्यों खिलाते हैं, क्योंकि इनको भोजन की आवश्यकता होती है। जैसे हमें जो है भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरीके से एनिमल्स को भी भोजन की आवश्यकता होती है। व्हिच एनिमल डिड मोस्ट चिल्ड्रन फीड, तो कौन से एनिमल को आप सबसे ज़्यादा खिलाते हैं उसका नाम राइट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू हैव दीज एनिमल्स इन योर लिस्ट, फाइंड आउट व्हाट दीज एनिमल्स ईट। तो नीचे कुछ एनिमल्स के नाम लिखे हैं, आपको पता करना है कि ये क्या क्या चीज़ें खाती हैं। जैसे रेट, सबसे पहले रेट है, तो रेट क्या क्या खाता है बच्चों, बताइए। ग्रेन्स है, रोटीज हैं, तो आपने देखा होगा कि रात रात को जो है चूहा चुपके से आके सारे ग्रेन्स खाता है, जैसे राइस, और इसके अलावा वीट, गेहूं। ठीक है, कॉकरोच लेफ्ट ओवर फूड खाता है। ठीक है, पिक, पिक जो होता है ये गार्बेज में से कुछ भी खाता है, एवरीथिंग फ्रॉम द गार्बेज। तो ये गार्बेज में से जो इसका हाथ लगता है खाने की चीज़ें उसे खा लेता है। जैसे बैट है, बैट जो होता है छोटे छोटे इंसेक्ट और नेक्टर को खाता है। और क्रो, क्रो जो है फ्रूट्स, चपाती, स्मॉल इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें खाता है। और स्क्विरल, स्क्विरल जो है सबसे पसंदीदा होता है उसका नट्स, फ्रूट्स,
एग्स और वर्ड्स, स्मॉल इंसेक्ट, ये सारी चीज़ें जो है स्क्वायरल खाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मंकी। मंकी क्या खाता है बच्चों? फ्रूट्स। तो फ्रूट्स में कौन कौन से खाते हैं? वो सारी चीज़ें खा लेता है, ठीक है। जैसे एप्पल है आपका, मैंगो है, जो भी चीज़ उसके हाथ लगती है, बनानाज है, ये सब चीज़ें खाता है। सीड्स भी खाता है और फ्लावर्स भी खाता है, ठीक है। और स्पाइडर, मस्किटोज और फ्लीज, ये और स्मॉल इंसेक्ट भी खाता है, ठीक है बच्चों। और लिजर्ड, लिजर्ड जो है आपका, सॉरी फॉर दैट, लिजर्ड जो है ये आपका मक्खियों को खाती है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है हु ईट व्हाट मैच द ड्राइंग लाइन्स ऑफ डिफरेंट कलर, वन एग्जाम्पल इज ऑन। जैसे गोट जो है ग्रास भी खाती है, चपाती और चपाती फ्रूट और वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें खाती हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें ड्रॉ करनी है लाइन। सबसे पहले ह्यूमन बींग्स देख लेते हैं, ह्यूमन बींग्स क्या क्या खाता है। तो इसमें चपाती आ जाएगा, इसके अलावा जो है वेजिटेबल आएगा, और क्या खाता है, मीट के तौर पर गोट को भी खा लेता है ना। रेड क्या खाता है? रेड जो है अभी मैंने बताया क्या क्या खाता है, चपाती भी खा लेता है, वेजिटेबल्स, ठीक है। और लिजर्ड, लिजर्ड जो है एंट्स को खा लेता है ना। स्पैरो, स्पैरो जो है वीट खाती है, और ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें खाती हैं लेकिन इसमें है नहीं, ठीक है। और स्नेक छोटे छोटे इंसेक्ट को खाता है, और रैट को खाता है ख़ास तौर पर, ठीक है। स्नेक का जो पसंदीदा शिकार है वो रैट है। इस तरीके से आपको मैच करना है, ठीक। और ये हमने कर लिया था, राइट द नेम ऑफ एनिमल्स यू हैव टच्ड। तो आप कौन, ऐसे कौन कौन से जानवर को टेस्ट कर सकते हैं, तो उनके नाम आपको राइट करने हैं, ठीक है बच्चों। जैसे डॉग है, कैट है, काव है, गोट है, ठीक है, इन एनिमल्स को हम टेस्ट कर सकते हैं। यू हैव नॉट टेस्ट बट यू कैन टेस्ट। तो ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनको आपने टेस्ट तो नहीं किया है लेकिन आप टेस्ट कर सकते हैं? तो एलिफेंट जैसे कैमल, रैबिट, जिराफ, इन चीज़ों को, इन जानवर को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और यू कैन नॉट टेस्ट, तो ऐसे कौन से जानवर हैं जिनको आप बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहते हैं? जैसे स्नेक, स्नेक को कोई टेस्ट करना चाहेंगे? नहीं, क्योंकि अगर हम टेस्ट करेंगे तो काट सकता है। लायन, टाइगर और क्रोकोडाइल, ये ऐसी ऐसे जानवर हैं जिन्हें हम टच नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वी डू नॉट गो नियर सम एनिमल्स फॉर द फियर दैट दे मे बाइट अस, हार्म अस और ईट अस। क्योंकि जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते, ये जानवर जो है हमें हानि पहुंचा सकते हैं, काट सकते हैं, यहाँ तक कि जो क्रोकोडाइल होता है वो हमें खा भी सकता है ना। तो यू हैव सीन दैट देयर आर सम एनिमल्स हु वी कैन टच, दीज ऑफन लिव इन और हाउसेस और अराउंड अस, ऑफ दीज और फ्यू एनिमल्स हेल्प अस इन मैनी वेज। यहाँ पर एक स्टोरी है, चलिए इस स्टोरी को रीड कर लेते हैं। एक गार्डनर जो है बहुत सारे मैंगो लेके क्वीन के पास पहुँचता है, जैसे कि आप पिक्चर, फर्स्ट पिक्चर में देख सकते हैं। तो रानी के पास पहुँचता है और रानी से कहता है कि योर मजिस्ट्री, देयर वुड हैव बीन डबल द अमाउंट्स इफ द वर्ड्स हैड नॉट ईटन देम। कहता गार्डनर कहता है कि महारानी, अगर चिड़ियों ने, इन्हीं पक्षियों ने जो है आम को नहीं खाया होता तो मैं इससे डबल मैंगो लेके आता। तो रानी साहिबा उनसे कहती हैं कि अगली बार से जो है आप जो मैंगो का गार्डन है वहाँ पर बिल्कुल भी पक्षियों को आने मत देना। तो दोबारा क्या होता है कि
कि जो गार्डनर होता है वो अपने बगीचे में बिल्कुल भी पक्षियों को नहीं आने देता है, बट जब वो अगले साल जो है आम लेके पहुंचता है तो केवल एक ही टोकरी लेके जाता है। इसे देख करके रानी बहुत गुस्सा होती है और कहती है कि आपने चिड़ियाओं को नहीं भगाया। तो गार्डनर कहता है कि नहीं, मैंने चिड़ियाओं को तो भगाया, लेकिन जो इंसेक्ट हैं, कीड़े हैं, वो इस बार आम को लग गए, यानी कीड़े ने जो है आम खा लिया। तो अगर शायद गार्डनर जो है पक्षियों को आने देता तो क्या होता, पक्षियां जो है वो छोटे छोटे जो इंसेक्ट हैं उनको खा जाती और आम को इस तरीके से कीड़े नहीं लगते। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो इफ़ दिस हैड बीन सॉरी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा, इफ़ देयर हैड बीन बर्ड्स देन दे वुड हैव ईटन द इंसेक्ट्स, वी वुड नॉट हैव लॉस्ट सो मैनी मैंगो। तो अगर शायद गार्डनर जो है उन पक्षियों को उस बगीचे में आने देता तो इस तरीके से जो है आम पर जो है कीड़े या इंसेक्ट नहीं लगते। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।